हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित। आज अपन पढ़ने वाला है क्या, नॉन वेटेड कोड्स। ठीक है, तो नॉन वेटेड कोड्स में ये अपना टाइप टू है। पहले टाइप में अपने क्या देखा था, एक्सेस थ्री कोड। सेकंड टाइप कौन सा अपना, जो अपन आज की वीडियो में देखने वाला है। तो टॉपिक का नाम है क्या, ग्रे कोड के बारे में पढ़ेंगे अपन की ग्रे कोड एक्जेक्टली है क्या और इनके जो नंबर है वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं और इनके बारे में अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी। ये जो सारा टॉपिक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक, चलो शुरू करते हैं अपन बिना किसी टाइम के। नाउ ग्रे कोड के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ग्रे, आप यहाँ पे तीन चार पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि ग्रे कोड एक्जैक्टली अपना है क्या। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या, ग्रे कोड इज अनदर नॉन वेटेड कोड, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक कोड। तो ग्रे कोड क्या अपना एक्जैक्टली एक सेकेंड अपना अनदर नॉन वेटेड कोड है। पहला कौन सा था अपना, एक्सेस थ्री कोड। ठीक, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक कोड। ये अपना जो अपन अरिथमेटिक करते हैं जैसे प्लस माइनस वगैरह, ये अपना उसमें नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट हैज अ वेरी स्पेशल फीचर दैट ओनली वन बिट विल चेंज ईच टाइम द डेसिमल नंबर इज इंक्रीमेंटेड। मतलब क्या बोले यहाँ पे कि ग्रे कोड में एक स्पेशलिटी है क्या, कि जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को आप बाय वन बिट अपन उसको चेंज करते हो तो वहां पे उसका जो ग्रे कोड होगा वो भी अपना वहां पे चेंज होता है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल बीट वहां पे सिर्फ चेंज होता है और कुछ नहीं। ठीक है, कैसे होता है आगे अपन देखेंगे इसको। ठीक, थर्ड पॉइंट, क्या बोलता है, एज ओनली वन बीट चेंज इज एट अ टाइम द ग्रे कोड इज कॉल्ड एज अ यूनिट डिस्टेंस कोड, द ग्रे कोड इज अ साइक्लिक कोड। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि ग्रे कोड में हमेशा एट अ टाइम खाली एक बीट चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है, द ग्रे कोड हमारा क्या, एक साइक्लिक कोड है। ठीक है, अभी कैसे अपना एक यूनिट डिस्टेंस कोड है, एक बीट कैसे चेंज हो रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका फंडा क्लियर करता हूं सबसे पहले, ताकि आपको यहाँ पे, अब मैं आपको सिर्फ एक जरा सा यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आप बाइनरी से ग्रे कोड निकाल सकते हो। एक जरा सा आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है उसको। ठीक है, क्या वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे एक मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, जीरो मॉड जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो मॉड वन करेंगे तो आंसर आएगा वन, वन मॉड जीरो क्या तो मिलेगा वन, और वन मॉड वन क्या तो मिलेगा आंसर जीरो। तो आपको सिर्फ ये चार कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है ग्रे कोड के लिए। क्या, कि जब भी आप जीरो 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 को मॉड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा जीरो, और वन वन को मॉड किया तो आंसर मिलेगा जीरो, बाकी के लिए वन वन आएगा। ठीक है, अब कैसे इनको ध्यान रखने से अपने कैसे ग्रे कोड मिलेगा ये मैं आपको समझाता हूं। नाउ आपके सामने यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, ये बाइनरी नंबर है और ये ग्रे कोड नंबर है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएंगे जीरो के लिए, तो बाइनरी आ गया जीरो 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 जीरो, ग्रे भी अपना आ जाएगा नॉर्मल बेसिक जीरो 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 जीरो। ठीक है, चार जीरो आ गए, बाइनरी में चार आ गए, डेसिमल में एक आ गया। अब आ जाओ वन नंबर के लिए, अब वन नंबर के लिए बाइनरी अपने को निकालना आता है, तो अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने इनके पोजिशन नंबर लिखे हुए हैं, वन टू फोर एट, तो वन के लिए क्या आएगा वन जीरो जीरो जीरो। ठीक, अब क्या निकालेंगे ग्रे, अब ग्रे के लिए कैसे निकलेगा, देखो वन के लिए भी वही है जीरो 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 वन। देखो पहले वाले जीरो में अपने चारों जीरो थे, जब हमने वन का निकाला तो यहाँ पे देखो खाली जीरो का वन हो गया, बाकी ये तीनों जीरो जीरो रहे। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। ठीक, अब आ जाओ सेकंड के ऊपर, सेकंड के लिए क्या आएगा जीरो जीरो वन जीरो, ये नॉर्मल बाइनरी कोड हो गया। अब इसके लिए निकालेंगे तो देखो, अब यहाँ पे आपको करना क्या मालूम है, ये जीरो को सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज रखना है। ठीक है, तो देखो ये जीरो आ गया यहाँ पे एज इट इज। ठीक, अब इस जीरो को इस जीरो से क्या करेंगे, मॉड करेंगे, तो जीरो मॉड जीरो के तो क्या आंसर मिलता है जीरो, तो ये आ गया जीरो। अब जीरो मॉड वन करेंगे तो क्या आंसर आएगा वन, तो ये आ गया वन। वन मॉड जीरो के तो आंसर क्या मिलेगा वन, तो ये आ गया वन। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कंडीशन क्या, कि जीरो जीरो और वन वन को मॉड करेंगे तो मिलता है क्या जीरो, और जीरो जीरो वन, वन जीरो को मॉड किया तो आंसर क्या मिलेगा वन वन। बराबर, बस इसी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है और आगे के अपने जो भी ग्रे कोड, जिस किसी भी डेसिमल का अपने को ग्रे कोड निकालना है आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब आ जाओ थर्ड के लिए, देखो ये तो जीरो जीरो वन वन, ये आ गया सिंपल बाइनरी कोड। अब क्या करेंगे, देखो इसका ग्रे कोड निकालते हैं। सबसे पहले जीरो एज इट इज, ये आ गया मेरा जीरो एज इट इज। अब इस जीरो को इस जीरो से मॉड करो तो क्या मिलेगा, जीरो जीरो मॉड किया तो जीरो मिलता है, ये आ गया जीरो। जीरो मॉड वन किया तो क्या मिलेगा वन, ये आ गया वन। वन मॉड वन किया तो क्या आंसर मिलता है जीरो, ये आ गया जीरो। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, पक्का श्योर? ठीक है, अब आ जाओ फोर पे, जीरो वन जीरो जीरो। अब सिंपल, पहले इस जीरो को ऐसा कैसे लिखेंगे, फिर जीरो को मॉड करेंगे वन से तो क्या मिलेगा वन, ये आ गया वन। वन को मॉड जीरो किया तो क्या मिलेगा वन, ये आ गया वन। और इस जीरो को जीरो से मॉड करेंगे तो आंसर मिलेगा अगेन क्या जीरो, तो ये आ गया जीरो। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, पक्का?
इसी तरीके से यहाँ पे आपको 7, 8, 9 आपको यहाँ पे पूरा इसका निकालना है। एंड में मैं आपको बता दूं 15 और 16 का क्या, जैसे चलो एक बार आपको मैं क्लियर करता हूँ एंडिंग पार्ट, बाकी जो बीच का पार्ट है आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, देखो कि आंसर आपका राइट है कि रॉन्ग है करके। ठीक, तो यहाँ पे 16 15 नंबर देखते हैं, तो 15 नंबर का बाइनरी आता है 1111 करके, ठीक है, ये अपने को पता है। अब क्या करेंगे, इसका ग्रे कोड निकालना है, तो पहले 1 एज इट इज आएगा, ये आ गया मेरा 1 एज इट इज, 1 मॉड 1 किया तो क्या मिलेगा 0, ये आ गया 0, 1 मॉड 1 किया तो क्या आंसर मिलेगा 0, ये आ गया 0, 1 मॉड 1 किया तो क्या आंसर मिलेगा 0, ये आ गया 0, समझ में आया। आ जाओ 16 के लिए, तो 16 के लिए क्या आता है हमें अपना सिंपल सा 0000 और ये 1 आ जाएगा बराबर, तो अपना जो लास्ट 4 डिजिट में तो अपना आता है नहीं, ये अपना आ जाएगा एंड में। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सिंपल सा 16 है ये 0, ये आ गया 0, अगेन देखो आपका जो 00 है आपका वही आ रहा है और कुछ भी नहीं आएगा, 16 का क्या आ रहा है 000, आप देखोगे 16 का क्या है चारों 00, 1 का 0 का क्या है अपना 00, तो यहाँ पे एक दूसरे की ये आपके कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पे बिल्कुल रहेगी ही रहेगी, एक बोलता है ना मिरर टाइप। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे इस 1 का क्या है 0001, तो 15 का क्या आएगा 1000, तो ये आ गया 1000, इस तरीके से इसके मिरर नंबर हम इसको बोल सकते हैं करें। ठीक है, ये था क्या अपना ग्रे कोड। अब आते हैं क्या, ग्रे कोड को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, सेम रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कन्वर्ट 1110 ग्रे टू बाइनरी, अपने को ग्रे नंबर गिवन है, क्या निकालेंगे बाइनरी में कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ग्रे कोड क्या लिखा हुआ है 1110 बराबर, अब क्या करेंगे इस 1 को एज इट इज नीचे उतार लो, अब इस 1 को इस 1 के साथ मॉड करो, तो 1 और 1 मॉड 1 किया तो क्या मिलता है 0, तो ये आ गया 0, अब इस 0 को इस 1 के साथ मॉड करो तो मिलेगा 1, इस 1 को इस 0 के साथ मॉड करो तो मिलेगा 1, तो ये जो अपने को आंसर मिलेगा ये क्या मिलेगा बाइनरी कोड मिल जाएगा। तो देखो 1110 का ये अपना ग्रे कोड है, इसका बाइनरी नंबर आता है 1011, अगर आपको चेक करना है तो आप वो भी इस नंबर में टेबल में चेक कर सकते हो। देखो ग्रे कोड क्या है 1110, तब यहाँ पे देखोगे 1110 कहाँ पर है 1111, ये देखो 1110, इसका बाइनरी नंबर क्या है 1011, तो अपने को आंसर क्या मिला है 1011। समझ में अच्छी तरीके से कि अपने को ग्रे कोड किस तरीके से निकालना है, तो ये था क्या इसका टाइप नंबर 2 नॉन वेटेड कोड का ग्रे कोड, समझ में आया पूरा अच्छी तरीके से। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो जो DLT में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।